साथियों, पुरानी अप्रोच के साथ चलते हुए नए नतीजे पाना मुश्किल होता है। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। आज इसी कड़ी में, और ये बहुत बड़ा काम है, टीबी मुक्त पंचायत। इस टीबी मुक्त पंचायत में हर गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर के संकल्प करेंगे कि अब हमारे गांव में एक भी टीबी का मरीज नहीं रहेगा, उनको हम स्वस्थ करके रहेंगे। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। पहले मरीजों को 6 महीने तक हर दिन दवाई लेनी होती थी, अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। यानी मरीज की सहूलियत भी बढ़ेगी और उसे दवाओं में भी आसानी होगी। साथियों, टीबी मुक्त होने के लिए भारत टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हर टीबी मरीज के लिए जरूरी केयर को ट्रैक करने के लिए हमने निक्षय पोर्टल बनाया है। हम इसके लिए डेटा साइंस का भी बेहद आधुनिक तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMR ने मिलकर सब नेशनल डिजीज सर्वेलेंस के लिए एक नया मेथड भी डिजाइन किया है। ग्लोबल लेवल पर WHO के अलावा भारत इस तरह का मॉडल बनाने वाला इकलौता देश है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों की वजह से आज भारत में टीबी के मरीजों की संख्या कम हो रही है। यहां कर्नाटका और जम्मू कश्मीर को टीबी फ्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिला स्तर पर भी बेहतरीन कार्य के लिए अवार्ड दिए गए हैं। मैं इस सफलता को प्राप्त करने वाले सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही नतीजों से प्रेरणा लेते हुए भारत ने एक बड़ा संकल्प लिया है, टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दुनिया से 5 साल पहले, और इतना बड़ा देश बहुत बड़ा संकल्प लिया है, और संकल्प लिया है देशवासियों के भरोसे। भारत में हमने कोविड के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी काफी मदद कर रही है। भारत की इस लोकल अप्रोच में बड़ा ग्लोबल पोटेंशियल मौजूद है।
जिसका हमें साथ मिलकर इस्तेमाल करना है। आज टीबी के इलाज के लिए 80% दवाएं भारत में बनती हैं। भारत की फार्मा कंपनियों का यह सामर्थ्य टीबी के खिलाफ वैश्विक अभियान की बहुत बड़ी ताकत है। मैं चाहूंगा भारत के ऐसे सभी अभियानों का, सभी इनोवेशंस का, आधुनिक टेक्नोलॉजी का, इन सारे प्रयासों का लाभ ज्यादा से ज्यादा देशों को मिले, क्योंकि हम ग्लोबल गुड के लिए कमिटेड हैं। इस समिट में शामिल हम सभी देश इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। और जैसा आपने कहा, टीबी हारेगा, दुनिया जीतेगी।